नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी सोयाबीन की रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 1.5 कप सोयाबीन। सोयाबीन को 5 मिनट गर्म पानी में भिगो के रखा था, और जैसे सोयाबीन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब हम अच्छे से निचोड़ते हुए ले लेंगे। सोयाबीन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम सोयाबीन में डालेंगे 2 चम्मच बेसन, छोटे चम्मच के 2 चम्मच बेसन है। साथ ही हम डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। सभी चीज़ें अच्छे से सोयाबीन में मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट हम रेस्ट के लिए रखेंगे। अच्छे से सभी चीज़ें मैंने सोयाबीन में मिक्स कर लिया है। अब हम रेस्ट के लिए रखेंगे 4-5 मिनट, फिर हम रेसिपी शुरू करते हैं। 5 मिनट बाद एक पैन में हम ले लेंगे तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए हम डाल देंगे सोयाबीन। सोयाबीन डालने के बाद हम 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेंगे हल्का कलर चेंज हो जाने तक। तो बीच बीच में चलाते हुए हम सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। सोयाबीन को 4 से 5 मिनट फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हो सोयाबीन का कलर चेंज हो गया है। अब हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में रखेंगे। पैन में हम ले लेंगे 2-3 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 तेज़पत्ते को 2 टुकड़ा करके डाल देंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी के, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग डाल देंगे। जीरा जैसे ही फ्राई हो जाए डालेंगे 1 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, और साथ ही 5-6 लहसुन को हम ग्रेट करके डाल देंगे। प्याज और लहसुन का कलर चेंज हो जाने तक हमें फ्राई करना है। प्याज जैसे ही फ्राई हो जाए हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और डालेंगे ड्राई मसाले, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, नमक डाल देंगे हम स्वादानुसार। मसाला डाल के एक बार हम मिलाएंगे। साथ ही हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट, और मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसाले के साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। थोड़ा सा जार में पानी डाल के पानी भी डाल देंगे मसाले में। 4 से 5 मिनट मसाले को अच्छे से भून लिया है। मसाले के साइड से जैसे तेल अलग दिखने लगे हम डाल देंगे यहाँ पे 2 चम्मच दही। दही डालने के बाद 2 मिनट और मसाले को हम भूनेंगे। दही डालने के बाद 2 मिनट और मसाले को भून लिया है। अब हम डाल देंगे सोयाबीन। मसाले के साथ हम 2 मिनट और भूनेंगे, फिर हम डालेंगे पानी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके हम 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट अच्छे से भून लिया, अब हम डाल देंगे 1 कप पानी। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। ग्रेवी में जैसे ही बॉईल आ जाए हम पैन को कवर कर देंगे 5-6 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 6-7 मिनट हो गए और सोयाबीन हमारा बनके तैयार है। लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। बस मिक्स करके हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और 2 मिनट के लिए हम पैन को कवर करके रखेंगे। 2 मिनट बाद हम सोयाबीन को सर्व कर लेंगे। और ये सोयाबीन करी देख के आपको जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए एक बार खाने के बाद बार बार इसी तरीके से बनाएंगे।
तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप एक बार बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।